हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बेटा, आज हम अपनी सोशल स्टडीज़ की ये जो बुक है, तो इसका आज हम जो सेकंड पार्ट है बेटा, हिस्ट्री, ये बुक रीड करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ज्योग्राफी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो बेटा आज हम हिस्ट्री का 1st चैप्टर रीड करेंगे। तो बेटा, इससे पहले कि हम हिस्ट्री का जो 1st चैप्टर है वो रीड करें, मैं आपको शॉर्ट में हिस्ट्री की जो इंट्रोडक्शन है वो दे देना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री, हिस्ट्री होती क्या है। तो बेटा, हिस्ट्री, ये जो वर्ड है हिस्ट्री, तो ये है टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है हिस्टोरिया, तो उससे मिलके ये वर्ड बना हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्टोरिया का मीनिंग ग्रीक लैंग्वेज में है नोइंग, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, वो नॉलेज, ठीक है, वो ज्ञान एक्वायर जो कि हमने हासिल किया बाय इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब खोज करके, ठीक है, हमने उसकी पूरी तरह से खोज की, तलाश की, ठीक है। और मतलब क्या है, मतलब जो होता है ना कि मतलब हमने उसके लिए, ठीक है, प्रूफ इकट्ठे किए, ठीक है, तो उसके बाद ही हमने उस बात को सच माना। तो कह रहे सो क्या है कि हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ चेंज, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ चेंज, बदलाव की, ठीक है, स्टडी ओवर टाइम्स, जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्या क्या बदलाव आते गए, ठीक है। और कह रहे कि इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट, इसमें सारे एस्पेक्ट जो हैं ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड, तो वो सब शामिल हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, ठीक है, जैसे मतलब हमारे क्या है कि पॉलिटिकल जो होता है ना, राजनीतिक, ठीक है, कि मतलब जैसे जैसे हर टाइम टू टाइम नेता बदले, ठीक है, क्या क्या हुआ। फिर सोशल, हमारे समाज में कैसे कैसे बदलाव आए, कि हमने पहले क्या है कि मतलब कैसे घरों में रहते थे, फिर बाद में कैसे रहने लगे, ठीक है, क्या पहले खाते थे अब क्या खाने लग गए हैं। इकोनॉमिक मतलब वो हमारे पैसे से रिलेटेड हो गया। साइंटिफिक, ठीक है, हमने नई नई खोजें की, जैसे पहले आग की खोज हुई, फिर हमने बिजली की खोज की, मेडिकल दवाइयों की, ठीक है। कल्चरल मतलब हमारा जो रीति रिवाज है, ठीक है, तो उस सब से रिलेटेड मतलब टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, तो उन सब चेंजेस को हम कहते हैं हिस्ट्री। तो इन अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, ठीक है, कि मतलब बीत चुके टाइम की स्टडी है, ठीक है। तो आप जैसे जानते हो बेटा कि हमारे पास टाइम होता है, टाइम, समय, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट, जो कि चल रहा है आज, ठीक है, दूसरा होता है पास्ट, ठीक है, जो बीता हुआ समय है, ठीक है, जो कल बीत गया, और थर्ड होता है फ्यूचर, ठीक, जो आने वाला कल है। तो बेटा जो प्रेजेंट है उसके बारे में तो हम क्या है कि आज हमें पता है कि आज हम इतने बजे उठे हैं, ठीक है, आज हम ये काम कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। और फ्यूचर, फ्यूचर होता है कि जो आने वाला कल है, तो इसके बारे में तो हम कुछ भी बता ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि जैसे साइंटिस्ट वगैरह हैं तो वो फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ अनाउंस कर देते हैं, बट कई बार क्या होता है कि वो सही भी हो सकती है बात और गलत भी हो सकती है। बट बेटा जो पास्ट है, बीत चुका समय है, ठीक है, तो जो बीत गया हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, जो बीत गया है वो तो बीत ही गया, ठीक। तो क्या है कि मतलब हम ये याद रखते हैं, अब देखो इसमें आ जाता है एक तो बात की यस्टरडे, ठीक है, कि कल क्या हुआ था, कल आप जैसे जो भी आप कहो कि कल हमने क्या है कि इस टाइम पे ये काम किया था, ठीक है, कल हमारे घर में हम जैसे छोटी छोटी बातें समझे कि हमें ब्रेकफास्ट ये किया था, आज हम ये करेंगे, ठीक है ना, तो हमें क्या है कि कल की बातें तो याद रह जाती हैं। उसके बाद बिफोर 1 ईयर, ठीक है, कि 1 साल पहले क्या हुआ, आप जानते हो ना ये भी, मतलब आप मतलब अभी क्या है आपको पता है कि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल कोरोना, ठीक है, कोरोना जो था वो यहाँ पे पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें कि 100 साल पहले, तो 100 साल तो हमारी एज ही नहीं होगी, ठीक है ना, हमारी एज जो है
वो क्या है, हम 100 ईयर्स तक लगा सकते हैं फिर भी, मगर आजकल 100 ईयर्स कोई ही होता है, ठीक है ना, 50, 60, 70 इतनी एज अगर हम मान के चलें, तो हमें क्या पता कि 100 ईयर्स बिफोर क्या हुआ था, ठीक है, और 1000 ईयर बिफोर क्या हुआ, तो उसकी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं बेटा, रिटन रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब लिखित में कुछ प्रमाण होते हैं, एविडेंस या फिर प्रूफ, ठीक है, तो हम उनको मतलब सच मान के अगर चलते हैं, ठीक है ना, तो फिर हमें पता चलता है कि 100 ईयर्स पहले, 1000 ईयर पहले क्या क्या हुआ था। तो बेटा हिस्ट्री का मतलब यही है कि अपने पास जो कि बीत चुका है, ठीक है, तो उसका मतलब लिखित में कोई प्रमाण मिलता है हमें, ठीक है, या हम जो खोज करते हैं तो क्या है कि मतलब जो हमारे जैसे साइंटिस्ट वगैरह हैं, ठीक है ना, तो उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा वो नॉलेज गेन कर चुके हैं, तो वे क्या करते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो ये पता लगा लेते हैं कि ये कितने साल पुरानी चीज़ है। तो बेटा इस तरह से वो क्या करते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री को, ठीक है, जान सकते हैं। तो चलिए बेटा इसी के साथ हम अपनी हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है, कि क्या हुआ हिस्ट्री में। वेयर मतलब कहाँ, कहाँ हुआ, ठीक है, कौन सी जगह पे हुआ। हाउ, हाउ मतलब कैसे हुआ, ठीक है, ये जो काम था वो कैसे हुआ। और व्हेन, व्हेन मतलब कब हुआ, ठीक है, तो मतलब ये चारों चीज़ों का जो आंसर दे दैट इज हिस्ट्री, ठीक है। जैसे हम ये देख लें कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम ये देखते हैं कि हमारा इंडिया जो है, ठीक है, तो उसको फ्रीडम मिली थी, ठीक है ना, फ्रीडम मिली थी ना, आज़ादी कब मिली थी, 1947 में, ठीक है। कैसे मिली थी आज़ादी, ठीक है, तो कैसे मिली कि मतलब जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनके खिलाफ हमने बहुत सारे क्या है, जैसे कहते हैं ना कि आंदोलन किए, ठीक है ना, तो कुछ ने क्या है हथियार उठाए और कुछ ने क्या किया कि सिंपल मतलब जो है मतलब चुपचाप शांतिपूर्वक, ठीक है, तो मतलब दोनों तरह से उन्होंने किया। और कहाँ, कहाँ का आ जाता है कि कहाँ मिली, ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो उन्होंने वहाँ पे बैठ के जिस जगह पे मीटिंग की होगी, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इंडियन के साथ मिलके, ठीक, तो उन्होंने फैसला जहाँ पे लिया, तो वो प्लेस, वो जगह, उसके बाद कि क्या हुआ कि हमें आज़ादी मिली। तो बेटा ये जो चारों चीज़ें हैं बताए, ठीक है, तो वो दैट इज़ क्या है, हिस्ट्री। तो बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक राशिदा लड़की है, ठीक है, तो वो अपनी क्या है कि बैठी होती है, तो एक अचानक ही वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तो एक वर्ड वहाँ पे देखती है 100 ईयर्स एगो, तो वो शॉक हो जाती है, ठीक, तो वो कहती है कि 100 साल पहले क्या हुआ, हमें क्या पता, ठीक है, तो वही चीज़ वो आगे फिर सोचती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो इसी का आंसर हमारा ये चैप्टर देता है। तो कहते हैं कि फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, ठीक है, तो फिर वो खोज करती है कि क्या हमें क्या है कि कल के बारे में पता है, लास्ट ईयर क्या हुआ उसके बारे में पता है, बट अगर हम देखें कि लॉन्ग लॉन्ग एगो कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उससे उसके बारे में हम पता कैसे करते हैं, जब हमारे पास प्रमाण या फिर प्रूफ होता है कोई, ठीक है ना, एविडेंस, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये करते हैं कि इतने साल पहले ये हुआ होगा। उसके बाद आ जाता है बेटा कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, ठीक है, कि हम पास्ट के बारे में क्यों जानते हैं, ठीक है ना, क्या क्या पढ़ते हैं हम पास्ट के बारे में। तो पास्ट के बारे में बेटा हम कह रहे सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कह रहे कि व्हाट पीपल एट, कि लोग क्या खाते थे उस समय, ठीक है, आज हम कुछ और खा रहे हैं, जैसे पहले समय में क्या था, लोग क्या खाते थे, फ्रूट खाते थे या फिर कच्चा मांस खाते थे, ठीक है, फिर उन्होंने जब आग की खोज की तो फिर उस मांस को वो पका के खाने लगे, मगर नमक, मिर्च, मसाले ये वो ऐड नहीं करते थे क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, नॉलेज आती गई, तो वो अपना स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करते गए। फिर उसके बाद आता है बेटा काइंड्स ऑफ क्लोथ, कैसे कपड़े पहनते थे वो देवोर, ठीक है, और कह रहे कि कैसे घरों में वो रहते थे, जैसे आजकल हम पक्के मकानों में रहते हैं, पहले के लोग क्या थे कि वो जंगलों में, गुफाओं में रहते थे, ठीक है।
उसके बाद है कि वी कैन फाइंड आउट अबाउट लाइव्स ऑफ हंटर, ठीक है। हंटर क्या होते हैं, जो शिकारी हैं, ठीक है, शिकारी जो मतलब जानवरों का शिकार करते थे, तो उनकी लाइफ कैसी थी। हर्डरर, हर्डरर होते हैं गाय भैंसों को चराने वाले, तो उनकी लाइफ कैसी थी। किसानों की, रूलर मतलब राजाओं की, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट हो गए, पादरी मतलब मंदिर मस्जिद के जो जैसे हम कहते हैं ना पंडित वगैरह, तो क्राफ्ट पर्सन जो क्या है कि मतलब जिनमें कोई कला होती है, ठीक है, जैसे कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, ठीक है, कोई क्या है मूर्तियां बनाता है, कोई बर्तन बनाने का, तो आर्टिस्ट भी वही हो गए, ठीक है ना। तो उसके बाद बेटा आ जाता है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन में आ जाते हैं कि सिंगिंग का जो काम करते हैं, और साइंटिस्ट जो खोज करते हैं। तो मतलब कैसे कैसे उनकी लाइफ पहले कैसी थी, आज की डेट में जब इतने क्या है चेंजेस आ गए हैं, तो उस अकॉर्डिंग उनकी लाइफ कैसे सेटल होती गई, तो इस सब के बारे में हमें हिस्ट्री बताती है। तो कह रहे वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट गेम्स चिल्ड्रन प्ले, ठीक है, पहले बच्चे कैसी गेम खेलते थे, आज के बच्चे कैसी गेम खेलते हैं, ठीक है। पहले जो होता था कि वो क्या था कि हम फिजिकल वर्क करते थे, ठीक है ना, बट आज की डेट में क्या है, आज की डेट में बच्चे घर पे बैठे मोबाइल फ़ोन पे, ठीक है, गेम्स खेलते हैं और वीडियो गेम वगैरह होती हैं। तो कह रहे द स्टोरीज दे हर्ड, वो कैसी कहानियाँ सुनते थे, द प्लेस दे सॉ, ठीक है, कैसे वो खेल देखते थे, ठीक है, नाटक वगैरह। तो उसके बाद बेटा आ जाता है कि वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है, अब हम ये बात करेंगे। तो अगर हम ये बात देखें कि लोग कहाँ रहते थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है कि हमें, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारी लाइफ में क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप गेस करके देखो कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसके बिना हम थोड़ा टाइम के लिए भी नहीं रह सकते, ठीक है, तो वो क्या है, हम कहते हैं ना कि खाना, फूड, बट फूड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, दैट इज़ वाटर, यानी कि पानी। क्या है कि हम खाने के बिना भी अगर हम देखें तो कहते हैं कि हफ्ता काट सकते हैं, ठीक है, बट जो पानी है, ठीक है, पानी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, ठीक है। हाँ, तो कह रहे कि मतलब जब हम पानी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, जहाँ उन्हें इजीली पानी मिल सके, ठीक है। हाँ, तो वो रिवर यानी कि नदियों के किनारों पे रहते थे, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये नर्मदा नदी की बात हो रही है, ठीक है, तो लोग क्या थे, नदी के किनारे रहते थे ताकि वो इजीली उनको पानी मिल सके, ठीक। तो उसके बाद कह रहे कि पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर, ठीक है, वो क्या है, स्किल्ड, स्किल मतलब अपने काम में कुशल, और गैदरर मतलब इकट्ठा करने वाले, ठीक है। तो वो क्या करते थे, नदी के किनारे रहते थे बेटा, और क्या करते थे कि शिकार करते थे जानवरों का, या फल फ्रूट जो है वो तोड़ के लाते थे पेड़ों से, और फिर उसको क्या करते थे, गैदर मतलब इकट्ठा कर लेना, ठीक है। तो क्या है कि जानवरों को मारा, या पेड़ पौधों से फल फ्रूट काटे, ठीक है, और उनको क्या है इकट्ठा करके रख लेते थे। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि हम तो अपने घरों में बैठे हैं, बट जैसे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो बर्ड्स क्या करते हैं, दाना चुप चुप के अपने घर में इकट्ठा करते हैं, ठीक। तो वो किस लिए करते हैं, ताकि जो रेनी सीजन है, बारिश आए, तो फिर हमें बारिश में वो बाहर नहीं निकल सकते ना, तो उनको भटकना ना पड़े, उनके घर में इतना मटेरियल हो। तो वैसे ही पहले के लोग क्या करते थे कि सामान इकट्ठा करके घरों में रख लेते थे। उसके बाद हम देखते हैं बेटा कि हम जैसे ये रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि पहले टाइम में, ठीक है, जो लोग थे वो रिवर के किनारे रहते थे। हाँ जी, तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि एक हम बात कर रहे हैं कि सुलेमान और ये किरथार हिल्स, ठीक है, ये जो है बेटा, पहले हमारा इंडिया बहुत बड़ा था ना, पाकिस्तान वाला पोर्शन, ये वाला जो है ये भी इंडिया में आता था, तो जो पाकिस्तान वाला पोर्शन है, तो इसमें ये देखिए, ये किरथार और सुलेमान हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ, ठीक है, तो ये पाई जाती थी। तो यहाँ पे लोग जो थे, ठीक है, यहाँ पे रहते थे इस एरिया में, और वो क्या करते थे कि वो मतलब जंगलों में घूम के, ठीक है, शिकार करते थे, ठीक है, या गाय भैंस को चराते थे, रियरिंग का काम करते थे, ठीक है, तो इस तरह से वो अपना लाइफ स्पेंड करते थे।
दूसरा हम देखते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे, ये देखिए ये जो है पोर्शन मध्य प्रदेश, ठीक है, हमारे इंडिया के ये सेंटर में आता है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ये नर्मदा नदी जो है ये बहती है, ठीक है, तो इस नदी के किनारे वो रहते थे और उन्होंने क्या किया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया, ठीक, तो यहाँ पे वो खेती बाड़ी भी करते थे। उसके बाद तीसरा आ जाता है बेटा ये गारो हिल्स वाला एरिया, ठीक है, तो ये गारो हिल्स वाला जो एरिया है तो यहाँ पे भी लोग पहले रहते थे, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये जो गंगा नदी बह रही है, ठीक है, तो क्या है कि मतलब लोग इन तीन पोर्शन में रहना पहले वो मतलब उन्होंने स्टार्ट किया। तो क्यों किया, क्योंकि वही की उनकी सबसे पहली डिमांड जो थी वो थी पानी की, ठीक। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं आगे, कहते कि ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि ट्रेस करो जो रिवर है इंडस और ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है रिवर इंडस है, ठीक है, आपको यहाँ पे शो हो रही है मैप में, ये है रिवर इंडस, ठीक है, तो ये रिवर है इंडस और इसके अंदर बेटा क्या है, ये जो है ये रिवर ये है झेलम, ठीक है, ये चेनाब, ठीक है, तो ये जो रिवर है ये सारी सतलुज, ठीक है, तो ये सारी रिवर, ये ब्यास, तो ये सारी रिवर जो हैं ये आके यहाँ पे मिलती हैं इंडस में, ठीक है, तो ये बड़ी रिवर है इंडस, ठीक है, ये जो आ रही है ऐसे, तो इसमें छोटी छोटी जो झेलम चेनाब, ठीक है, ब्यास सतलुज, ये नदियाँ आके मिल रही हैं, तो जो छोटी नदियाँ बड़ी नदी में आके मिलती हैं ना, तो उन छोटी नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, तो ये आके इसमें मिल गई, ठीक। तो यानी क्या है कि इस पोर्शन में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते थे, ठीक। और उसके बाद हम अगर सेकंड देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको गंगा नदी, ठीक है, ये देखिए ये गंगा नदी आ रही है, ठीक है, तो इस नदी में क्या है कि ये देखिए ये यमुना, ठीक है, ये यमुना नदी, ठीक है, चंबल, ये सोन, ठीक है, तो ये नदियाँ आके इसमें मिल रही हैं, तो गंगा नदी की साथ ये जो बाकी नदियाँ आके मिल रही हैं ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, तो इनको सोन का नाम दिया गया है, SON सोन, ठीक है, जो गंगा नदी में आके मिल जाती हैं ट्रिब्यूटरीज। तो बेटा लोग क्या थे कि मतलब नदियों के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है, ताकि उनको क्या है इजीली पानी अवेलेबल हो सके वहाँ पे। तो इसके बाद बेटा हम ये देखते हैं कि जो गंगा वाला एरिया का जो एरिया है, ठीक है, गंगा वाला, तो उसमें क्या था कि लोग, ठीक है, आके वहाँ पे रहने लगे और वहाँ पे उन्होंने अपना, कहते कि ये बिहार वाला जो पोर्शन है तो यहाँ पे कह रहे कि मगध, ठीक है, मगध नाम के जो शासक जो थे, ठीक है, तो उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है ना, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और वो यहाँ पे आके क्या है रहने लगे और उन्होंने अपनी जो किंगडम थी बहुत ज़्यादा डेवलप कर ली। और फिर क्या है कि अब इसके बाद हम इसमें ये भी देख पढ़ते हैं कि बेटा पहले लोग जो थे, ठीक है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, तो वो ऐसा क्यों करते थे कि मूवमेंट करते थे, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो क्यों जाते थे बेटा, अपनी प्लेस क्यों बदलते थे, क्यों बेटा, क्योंकि क्या है कि जब वो मतलब क्या है एक जगह पे उन्होंने शिकार वगैरह किया, ठीक है, फल फ्रूट काटे, तो क्या है वो ख़त्म हो गया उनका खाने पीने का सामान वहाँ पे, तो वो क्या करते थे, फिर वो सेफ और जगह ढूंढते थे कि जहाँ पे उनको खाने पीने को और चीज़ें मिल सकें, तो वो इसलिए क्या है अपनी लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन करने के लिए तो उनको जगह चेंज करनी पड़ती थी, तो इसलिए वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो बेटा और क्या है, कह रहे कि वो जैसे कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, जैसे फ्लड यानी कि बाढ़ आ गई या ड्राउट सूखा पड़ गया, तो उस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और किस लिए करते थे वो ट्रैवल, कह रहे कि उनको कुछ को ये भी होता था स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ठीक है,
कि मतलब अब जैसे हमें होता है ना कि हमने कुछ एडवेंचर करना है, ठीक है, कुछ नई चीज़ों को देखना है, उसके लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो बेटा उसके बाद हम देखते हैं कि जो आप देखते हो ना कि हमारे जो हिल्स और माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो वो नेचुरल फ्रंटियर हैं। जैसे हमारा हिमालय पर्वत, ठीक है, तो वो चाइना के साथ बॉर्डर है, ठीक है, इधर चाइना है, इधर हमारा इंडिया है। तो वो जो हिमालय पर्वत है वो बहुत हाइट पे है, ऊंचाई पे है, तो वहाँ पे हमें किसी बॉर्डर की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, ठंडे रहते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या है कि इजीली वो नहीं जा पाते और वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको बोला जाता है नेचुरल फ्रंटियर, ठीक है, कि वो कुदरत की तरफ से सैनिक हैं जो हमारी बॉर्डर की देखभाल कर रहे हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है कि नेम ऑफ लैंड, ठीक है, अगर हम देखें कि नेम ऑफ लैंड तो क्या है कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, हम उसको दो नामों से जानते हैं, इंडिया या फिर भारत। तो कह रहे कि द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, ठीक है, तो ये जो इंडिया वर्ड है, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया, इंडस। आपको मैंने बताया ना पिछले चैप्टर में कि इंडस नदी के किनारे पे लोग रहना पसंद करते थे, ठीक है, तो जो लोग इंडस नदी के किनारे रहते थे तो उनको सिंधु संस्कृत में कहा गया, ठीक है, और फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, ठीक है, ईरान और ग्रीस को भी फाइंड करो अपने एटलस पे। एटलस क्या होता है बेटा? बुक ऑफ मैप होता है। तो कह रहे ईरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वे अबाउट 2500 ईयर्स अगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, ठीक है, कॉल्ड इट द हिंदोज और द इंडोज एंड द लैंड टू ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। तो कह रहे कि जो मतलब ग्रीक के जो लोग थे वो यहाँ पे आए इंडिया में, ठीक है, तो इंडस नदी के पास जो रहने वाले लोग थे, ठीक है, तो उनसे फैमिलियर हुए और उन्होंने जो उस एरिया के ईस्ट में, ठीक है, जो एरिया पड़ा, तो वहाँ के लोगों को उन्होंने क्या है इंडिया जो है नाम दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि जो नेम भारता है वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो भारत जो नाम है ये ग्रुप ऑफ पीपल मतलब इकट्ठे जो लोग हैं उनको दिया गया, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ ऊपर वाले और वेस्ट वाले पोर्शन में रहते थे, ठीक है, तो इस पोर्शन को उन्होंने क्या है कि भारत का नाम दिया। तो कह रहे हु आर मैंशनड इन द ऋग्वेदा, ठीक है, तो ये जो है बेटा ये ऋग्वेद जो हमारा है, हमारे चार वेद हैं, ठीक है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो जो भारत नाम है ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, तो इसके प्रमाण उससे मिलते हैं। तो कह रहे द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ये संस्कृत में लिखा गया था, और कह रहे लेटर इसको फिर अपनी कंट्री में ऐसे मतलब जो है हमारी सिंपल लैंग्वेज में भी यूज़ किया गया। तो बेटा यहाँ तक हम अपना जो है ये चैप्टर अभी इसको ओवर करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़ना। ओके बेटा, बाय।